तो दोस्तों, जैसे हमने टोकेंस में देखे रिजर्व कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर। अब ऑपरेटर देखने के बाद अब हम देखने वाले हैं सेपरेटर क्या होते हैं। अब सेपरेटर्स हमारे प्रोग्राम में किस तरह, जावा प्रोग्राम में किस तरह से यूज होता है ये मैं बताता हूँ। तो जैसे सेपरेटर्स का मतलब ये होता है कि ये इसको हम यूज करते हैं एक सिंबल की तरह। जैसे कह सकते हैं किस तरह सिंबल्स होते हैं, पैरेंथेसिस साइन होती है, ठीक, ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो इन ये कब कहाँ कैसे यूज होता है ये मैं बता देता हूँ। और सेपरेटर्स में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला आता है पैरेंथेसिस साइन। पैरेंथेसिस साइन का काम क्या होता है, किसी भी मेथड्स को जब डिक्लेयर करते हैं तो उसमें देखते होंगे कि दो इस तरह से, मतलब कि पैरेंथेसिस साइन लगाते हैं, तब वो फंक्शन का रूप लेती है। ये जावा ही में नहीं बल्कि सी में जैसे प्रिंट एफ फंक्शन लगाते हैं तो भी हम ये पैरेंथेसिस साइन का यूज करते हैं, ठीक। तो मेनली जावा में ये मेथड्स को बनाने में ही यूज होता है, ठीक। दूसरा हम देखते हैं ब्रेसेस। ब्रेसेस क्या होता है, ये सीमा बताती है, ये लिमिट्स बताती है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जैसे क्लास हमने बनाया, कोई भी क्लास स्टूडेंट नाम की बनाई, फिर वहां से एक ब्रेसेस ओपन करते हैं और उसकी जहां तक उस क्लास की सीमा निर्धारित की जाती है दूसरे क्लास से पहले तक, तो वहां पर हम उसे क्लोज करते हैं, ठीक। तो ये हुई ब्रेसेस। तीसरा है ब्रैकेट। ब्रैकेट का यूज हम कब करते हैं, अरे को प्रदर्शित करने के लिए। जहां पे हम जैसे कह सकते हैं जब मेन फंक्शन बनाते हैं तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन और स्ट्रिंग के बाद args लिखते हैं, ठीक, और उसके बाद ब्रैकेट बनाते हैं। तो वो ब्रैकेट क्या प्रदर्शित करता है, अरे को प्रदर्शित करता है। फिर होता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन हम कहाँ लगाते हैं, जब देखते हैं इंपोर्ट पैकेज लगाते हैं तो उसके लास्ट में सेमी कॉलन लगाते हैं, मतलब जब क्लास नेम लिख देते हैं उसके बाद। और सेमी कॉलन ये भी प्रदर्शित करता है कि वहां से उस लाइन की डिफिनीशन समाप्त होती है, ठीक। फिर इसके बाद होता है कॉमा। कॉमा का यूज हम कब करते हैं, जब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स बनाते हैं तो वेरिएबल्स जब एक से ज्यादा हो जाते हैं तो उसे हम कॉमा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक जैसे इंट ए कॉमा बी, फिर सी, फिर सेमी कॉलम, मतलब वहां से उसकी डिफिनीशन समाप्त होती है। मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में कॉमा से हम कॉमा सिंबल्स यूज करते हैं। फिर पीरियड। पीरियड यहाँ पे क्या है, डॉट डॉट ऑपरेटर की तरह, जिस तरह हमने इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर पढ़ा था उसी तरह से पीरियड ऑपरेटर होता है, लेकिन इनका यूज अलग अलग होता है। वो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर ऑपरेटर की जगह पे यूज होता है, लेकिन ये पीरियड जो है, तो जब हम इम्पोर्ट किसी पैकेज के इम्पोर्ट करते हैं हेडर फाइल्स की तरह, ठीक, तो जैसे लिखते हैं इम्पोर्ट कीवर्ड, फिर स्पेस जावा, फिर डॉट, तो वो पीरियड होता है। पीरियड डॉट यूटिल, फिर डॉट, फिर क्लास नेम या स्टोर करके सेमी कॉलम से क्लोज कर। ये जो पीरियड होता है वो डॉट ऑपरेटर की तरह काम करता है, ठीक। ये पैकेजेस में ज्यादातर यूज होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, सेपरेटर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, तब तक आप हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं जिनमें बहुत सारे जावा ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं। तब तक के लिए।